के इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंदर जो मोबाइल मिला था गुड़िया को, क्या नाम है बेटा? तमन्ना पांचाल। तमन्ना, कौन सा मोबाइल है या कौन सा मिला आपको? एमआई मिला था क्या? इसके लिए आपको क्या प्रोसेस करनी पड़ी थी? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कौन सी स्कीम के अंदर आपको ये मिला है? इंदिरा गांधी स्मार्ट योजना। ये फोन थोड़ा सा आप दिखाओ। इसके अंदर ये बता रहे थे कि तीन तरीके के हैंडसेट मिल सकते हैं, और कौन कौन से मोबाइल थे? नोकिया का और रियलमी का और एमआई। आपके पास में एमआई का है तो आपको ये पसंद आया होगा, है ना? एक बार इसको ओपन करके दिखाओ कि कैसा मोबाइल है। तो बेटा आप क्या करते हो? स्टडी करते हो क्या? अभी इसको क्या काम में लोगे आप? स्टडी के लिए, ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। अच्छा चलो, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन वगैरह आपको कुछ पता है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये हैंडसेट एमआई का है। जो जैसे सखी योजना है, दो तीन ऐप की हुए है। अच्छा। तो वो सरकारी जो योजनाएं है उनका लाभ मतलब किस तरीके से मिलता है, और वो योजनाएं इसमें दी गई है ताकि बच्चे उसका भरपूर फायदा उठा सके। इसके लिए बच्चों को मतलब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि नारी सशक्तिकरण है, कि बच्चियाँ पीछे नहीं रहे। क्या है कि स्कूल जाती है बच्चियों को लेट हो जाती है, घर पे ना माता पिता को बहुत टेंशन होती है, तो इनके माध्यम से ये क्या कर सकती है, मम्मी मेरे को लेट हो गई आज ये काम था, तो इसके लिए ये इसको भी काम ले सकती है, ऑनलाइन क्लासे ले सकती है, स्टडी कर सकती है, और जिन चीज़ों का इसको पता नहीं होता उन चीज़ों को ये इसमें गूगल या प्ले से उसको देख सकती है, यूट्यूब से देख सकती है, तो इसके बहुत सारे लाभ है। तो मैं अशोक जी गहलोत है, माननीय मुख्यमंत्री, उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, और उन्होंने हमारी बच्ची को बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा ये सेट दिया है। आपको सबसे पहले आज ही मिला आपको, है ना? और एक चीज तो ये, क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रही उसकी? इसमें सबसे पहले क्या है कि इसका जो आधार है, आधार जो लिंक किया हुआ है जन आधार से, उससे सबसे पहले वहाँ पर जाना पड़ता है, ओटीपी आती है, फिर आगे प्रोसेस होता है, जो ऐप होता है उसके माध्यम से इसको मतलब जोड़ा जाता है, और फिर इसको आगे जाके इसको सिम बताई जाती है, कौन सी सिम लेगी ये। उसमें BSNL थी, वोडाफोन थी, तो हमारी बच्ची को BSNL अच्छी लगी तो BSNL सिम ली, और उसके बाद में इनको वो सिम फ़ोन दिखाया जाता है, तीन चार मतलब चार सेट थे अलग अलग, तो हमारी बच्ची को MI पसंद आया तो MI का सेट दे दिया गया, और उसके बाद में इसमें सिम डाली गई, और सिम डालने के बाद बच्ची को ओपन करके दिखाया गया। इसमें चार पांच जो ऐप है, जो सरकारी ऐप है, वो डाउनलोड करके दिए गए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट से लगे थे आपको इसमें? जन आधार कार्ड और जैसे पैन कार्ड और आधार कार्ड, और जैसे लिंक होता है ना जन आधार कार्ड से, वो ना वही मतलब मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आती है। चलो ओके, थैंक यू। धन्यवाद।